आदाब नाजरीन, जैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। सारा मुल्क कोरोना वबा से परेशान है। इस वबा के खौफ की इंतहा यह है कि लोग अपने खानदान की किसी फर्द का कोरोना की वजह से इंतकाल होने पर मरने वालों की मैयत उनके वारिसों को भी नहीं देकर इंसानियत को शर्मसार करने वाले तरीके से महकमा सेहत की जानिब से मरने वालों की मैयतों को दूर दराज फेंक देना या उनकी मैयतों को जला देना कर रहे थे। लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए मुल्क में सबसे पहले कोरोना से मुतासिर होने वालों की जानों को बचाने अपना प्लाज्मा देने लगे और लॉकडाउन में कई मुसलमान तंजीमों ने बेघर बेसहारों को खाना पानी देने लगे और लॉकडाउन से परेशान मजदूर जब भूखे पैसे अपने घरों को लौटने लगे तो उन भूखे पैसे मजदूरों मुसाफिरों को भी कई मुसलमान तंजीमों ने खाना और पानी देने का काम किया। और पिछले साल से अब तक कोरोना से मरने वालों को तदफीन या उनका अंतिम संस्कार करने जिम्मेदारी पूरे मुल्क में इंसानियत की खातिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने ली। और आज भी हम सारे मुल्क या अपनी रियासत में हो या फिर अपने ज़िले में हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों बिला मजहब व मिल्लत या काम बिना किसी एक रुपया लिए के अपने खर्चे पर या मैयत तक पहुँचाकर उस मैयत की तदफीन हो या अंतिम संस्कार हो मरने वालों के मजहबी अकीदे के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुस्लिम बड़े ताजिर जो अपनी तरफ से ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं तो कई मुसलमान तंजीमें मस्जिदें या शादी महल या अपने दफातर को इंसानियत के खातिर कोविड सेंटर में तब्दील कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोविड 19 से मुसलसल काम करते आ रहे हैं। ये कोविड 19 में हम लोगों ने ना सिर्फ राशन बांटकर रिलीफ वर्क किया है बल्कि माशरे में जो जो प्रॉब्लम है कोविड के आने के बाद ये सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहली सफ में रहकर यहाँ पर काम किया है। यादगी डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करेंगे तो पिछली बार भी हम लोग ये मैयत को दफन करने के लिए 30 से जायद मैयतों को, पिछली बार जो पहले सीजन जो था उसमें भी 30 से जायद हम मैयतों को दफन करेंगे। और इसमें हम लोग बिना कोई जात पात के भेदभाव के बगैर क्या है ये सारी चीज़ों को करें। हमने ब्राह्मण मजहब के लोगों को भी ये जलाने के लिए जो है ना उनका पूरा सिस्टम जो था वो पूरा करने के बाद वो लोग सिर्फ आग लगाए। और इसके अलावा दूसरे जितने भी जाते हैं लिंगायत होंदे एससी रहेंदे मुस्लिम रहेंदे ये सब लोगों के लिए हमने बिना मुआवजा सोशल वर्क ये पब्लिक के लिए ये जरूरी था क्योंकि उनके खुद के घर वाले तक क्या है मालूम ऐसी लाशों को करीब भी नहीं आ रहे थे। वैसे हालात में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये इकदाम उठाकर ये साबित किया है कि माशरे की जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आगे आकर ये सारी चीजें करेगा। और इस बार का जो सेकेंड वेव जो कोविड 19 का जो चल रहा है इसमें भी हमने 25 से ज्यादा क्या है मालूम तदफीन में क्या है मालूम हिस्सा लिया है। और इस तदफीन में भी दूसरे जात के लोग भी क्या है शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछली बार भी किए थे और इस बार भी कर रहे हैं और जब तक हमें अल्लाह मौका दिएगा हम लोग ये सोशल वर्क करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी टीम क्या है मालूम आप लोग दुआ की भी गुजारिश है हमारी टीम के लिए दुआ करना है। और एक चीज एक बात हमारे लिए खुशखबरी क्या है बोले तो हमारी टीम के जितने भी लोग इसमें हिस्सा लिए हैं काम करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक को भी क्या है मालूम आज तक पॉजिटिव नहीं आए। ये अल्लाह की तरफ से क्या है मालूम नेमत भी है जो अल्लाह के लिए बंदों के काम करता है उसके लिए अल्लाह की मदद क्या है मालूम शामिल हाल रहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद मुख्तार तुर्कुद्दी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यादगी डिस्ट्रिक्ट पर्सन। जैसा कि हम लोग देख हमारी तंजीम की तरफ से हम लोग
यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को जाकर एक मेमोरेंडम देकर उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि यानी क्या ये जो कोरोना से जिसकी डेथ हो रही है, जिसका इंतकाल हो रहा है, तो लोगों को है क्या हम लोग आखिरी रसूमात उनके एक इज्जत के साथ उनको यानी क्या हम अदाई करके उसके यानी क्या तदफीन करेंगे बोलकर, तो लिहाजा हमारे को डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और यहाँ के हमारे DHO की तरफ से हम लोगों को परमिशन मिलने के बाद जब जाकर हम यानी क्या ये अज़्म को ये काम को यानी क्या लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे को यहाँ के जो हमारे DHO है और यहाँ के जो DC है और यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है के जो ऑफिसर्स है वो लोगों की तरफ से हमारे को एक अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से हम लोग ये काम को अंजाम दे पाए हैं। नहीं तो अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग यानी क्या इस काम को अंजाम नहीं दे पाते थे। साथ ही साथ यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट वो लोग भी यानी क्या उनका अपना भरपूर एक साथ देकर हमारे को जहाँ जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तदफीन के लिए वो लोग भी यानी क्या हमारे साथ आकर वहाँ पर यानी क्या पब्लिक को मैनेज करने का काम करते हुए ये लोगों का भी बहुत बड़ा एक ताउन और सपोर्ट हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो हेल्थ के जो वर्कर है वो लोगों का भी बहुत एक बेहतरीन हमारा साथ रहा है, क्योंकि वो लोग कब भी कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ती तो वो लोग एम्बुलेंस के जरिए हमारे को यानी क्या अपना एक सपोर्ट करते हैं, या नहीं तो वहाँ पर इस क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग यानी क्या पूरा अपना साथ देकर कॉर्पोरेट कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ये काम करने के लिए यानी क्या एक मौका दिया है। लिहाजा मैं सभी हमारे डिपार्टमेंट से, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे ये हमारा CMC का डिपार्टमेंट भी हो, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ और हमारे को यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से एक ID भी हमारे को यानी क्या ये लोग बनाकर दिए हैं कोविड वॉरियर्स बोलकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को यानी क्या ये लोग इतना बेहतरीन एक ID भी बनाकर दिए हैं, और इसमें यानी कि हम लोग इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा हमारा काम जितना है उससे भी ज्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। ओवरऑल हम लोग तालुके में शाहपुर में और शाहपुर के जो भी विलेजेस है सभी विलेजेस में जाकर हम लोग यानी क्या बॉडीज को तस्लीम कर रहे हैं, बोरियल कर रहे हैं, तो लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम यानी क्या पहली सफ में होकर इंशाल्लाह काम करने वाले बनेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं ये हालात में पूरे ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये सिर्फ शाहपुर में नहीं, ये सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पहली सफ में आकर यानी क्या काम करने वाली एक तंजीम है। ये तंजीम को आप लोगों का साथ भी होना है, और हम लोग कौन से भी जात पात को देख कर यानी क्या तदफीन नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहे वो निगायत हो तो निगायत के आखिरी रसूमात के हिसाब से हम लोग यानी क्या तदफीन कर रहे हैं, वो एक ब्राह्मीन हो तो ब्राह्मीन के आखिरी रसूमात के हिसाब से हम लोग तदफीन कर रहे हैं, एक मुस्लिम हो तो मुस्लिम के आखिरी रसूमात के हिसाब से हम लोग तदफीन कर रहे हैं, चाहे क्रिश्चियंस हो तो उसके भी आखिरी रसूमात के हिसाब से हम लोग तदफीन करना है। हमारे पास भेदभाव का कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है, ना हम इसको देखते हुए कुछ भी काम करने वाले लोग नहीं है। जब कभी भी हिंदुस्तान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहली सफ में आकर काम करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। और हम देख रहे हैं मुसलसल कि कई बहुत सारे NGOs है वो लोग कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो काम करने का मौका है आज कोई भी यानी क्या फील्ड में उतर कर काम नहीं कर रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ये मौका मिला इंशाल्लाह मैंने क्या इसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जमीर शेख, मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यादगीर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। जब 2020 में COVID-19 से जो इंतकाल हो रहे थे तो स्टार्टिंग जब इंतकाल हुआ तो हम देख रहे थे बॉडी को कैसा ले जा रहे थे, यादगीर डिस्ट्रिक्ट और बल्लारी का भी एक वीडियो आया था, उनको जैसा लास्ट जो रसूमात रहते जो उनको तस्वीर कर रहे थे ले जाकर कोई हाथ खींच कर लेकर जाना, पैर खींच कर लेकर जाना, तो उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक हमारे एक मीटिंग कर हमें एक फैसला लिए कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो भी COVID-19 से इंतकाल होता है इनकी आखिरी रसूमात हमारे तंजीम की तरफ से करेंगे बोलकर, जैसा इंसान जब जिंदा रहता है उसके इज्जत के साथ कैसा रहते मरने के बाद भी ऐसा किसी इज्जत मिलना बोलकर एक आखिरी रसूमात करेंगे बोलकर हमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानव से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ये स्टेप लेकर पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो शाहपुर में भी हमें तालुका हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को एक मेमोरेंडम दिए कि हमारी टीम भी एक रेडी है, आप हमारे को इसका मौका दिए करने का बोलकर वो लोग हमारे को एक्सेप्ट करते हुए फिर हमारे को एक ट्रेनिंग दिए। तो डॉक्टर प्रवीण पाटिल बोलकर जो फॉरेंसिक स्पेशल है हमारी टीम को बुलाकर एक ट्रेनिंग दिए PPE किट कैसा डालना और कैसा उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या है बोलकर, करने के बाद वो पूरी ट्रेनिंग लेकर हमारी टीम
अलहमदुल्ला अब तक 50 से ज्यादा हमें तस्वीर यहाँ डिस्ट्रिक्ट और शाहपुर तालुके में कर करें। जैसा कि हम देखे जब स्टार्टिंग कोरोना वायरस की वबा के टाइम जो मुसलमान इस वायरस को जो है एक जात पात में बांट रहे थे, जो गोदी मीडिया है, चंद लोग है जो जात पात में बांट करके आए, इसे भी एक रंग देना चाह रहे थे। लेकिन उसी दौरान जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है हिंदुस्तान में, उसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे तंदीम है जो वही बोलने वाले बड़े बड़े तंदीम, लेकिन गवर्नमेंट के बाद कोई हिंदुस्तान में कोई अच्छा काम करा, चाहे वो राशन किट देने में हो चाहे तस्वीर में हो, गवर्नमेंट के साथ हर दिन रात जो शाना बा शाना काम कर रही है वो एक वाहि तंदीम है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। चाहे तस्वीर का वर्क हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रही है, हर मजहब के लोगों को हम लोग तस्वीर कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चन हो, ब्राह्मण हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, और उसके बाद जो राशन किट का हमें रिलीफ और भी हम कर रहे हैं अलहमदुल्ला, जो भी गरीब जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमें राशन किट भी पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेड्स है, ये सब हम लोग कुछ लोग कर रहे हैं अलहमदुल्ला। बहुत से लोग हमारे को जो भी काम कर रहे हैं एक गलत अफवाह फैलाने के वास्ते चंद पैसे ले रहे बोलकर भी ऐसा मीडिया में बहुत फैलाते हैं न्यूज बीच में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ऐसा पैसे लेकर कर रहे बोलकर। लेकिन अलहमदुल्ला हमारे ब्रदर्स काम भी जाते हैं जो मेंबर्स हैं हमारे तस्वीर कर रहे हैं, अपने जिम के पैसे डालकर क्या है पेट्रोल डालकर जाते हैं, आज तक किसी के पास एक रुपया भी हम लोग नहीं लिए, यहाँ तक के जाकर आते तो पेट्रोल के पैसे अपने जिम पे डालकर कर को आते हमारे मेंबर्स। तो अलहमदुल्ला अब तक 50 से ज्यादा हम कर रहे हैं, तो एक वाहि तंदीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।